2022 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए आज के इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। बायोलॉजी ओनली क्वेश्चन पेपर क्लास ट्वेल्थ समय तीन घंटा पंद्रह मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स सेवेंटी नोट है फर्स्ट फिफ्टीन मिनट्स आर रिलेटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पंद्रह मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं ऑल क्वेश्चन आर कम्पल्सरी सभी प्रश्न करने अनिवार्य है एलस्ट्रेट योर आंसर विद लेबल डायग्राम वेर एवर नेसेसरी जहां पर भी जरूरत पड़े वेर एवर नेसेसरी आवश्यकता जहां पर भी हो लेबल जरूर डायग्राम बनाए मार्क्स रिलेटेड टू ईच क्वेश्चन आर मैंसन अगेंस्ट इट मार्क्स उसी के सामने दे दिए गए हैं क्वेश्चन के सामने दिए गए हैं चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन योर आंसर बुक मतलब अपनी आंसर शीट में आप लोगों को क्वेश्चन देखना और जो भी सही आंसर लगे आप लोगों को जो भी सही ऑप्शन लगे उसको कॉपी में लिख देना है क्वेश्चन वैसे बेसिकली उतारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है लेकिन क्वेश्चन नंबर ध्यान से उतारिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट प्री द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर आप लोगों ने फ्लावर्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा रखा होगा तो फ्लावर मेल सेक्स पार्ट आप लोगों ने याद किया होगा कौन कौन से पार्ट्स मेल सेक्स ऑर्गन यानी कि एंड्रोशियम के पार्ट थे कौन कौन से गाइनोशियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन के पार्ट थे फ्लावर के तो यहाँ पर आप लोगों से सिंपल वे में मेल सेक्स ऑर्गन और द फ्लावर पूछा जा रहा है चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे स्टेमिन है पिस्टिल है मेगा स्पोरेंजियम है और पॉलीनेशन है देखिए पॉलीनेशन तो एक प्रोसेस होती है ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगला जो स्टेमिन पिस्टल और मेगा स्प्र एंजियम है इन तीनों में से कौन सा लगता है आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा ज़रूर अटेम्प्ट करें ये क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत आए और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की वीडियोस को और देखते रहें चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें जिसमें आगे इस तरह की वीडियो मिलते रहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी देख लेते हैं इन ह्यूमन सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड बाई जो सेक्स होता है मतलब मेल है कि फीमेल है ये किसके द्वारा डिटरमाइंड किया जाता है तो सेक्स डिटर्मिनेशन आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा और तैयार होगा सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर होगा साइज ऑफ ओवम होगा साइज ऑफ स्पम होगा एंड द लास्ट वन इज सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर तो क्या लगता है फादर का होगा बिल्कुल सही है आपका उत्तर बता देता हूँ वैसे मैं उत्तर बताने वाला नहीं था लेकिन ये थोड़ा सा बताने वाला उत्तर था जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज इन तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो यूज़ किया जाता है कहाँ पर यूज़ किया जाता है पहला ऑप्शन मेडिसिन में दूसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर में तीसरा है बोथ ए फर्स्ट एंड सेकेंड तो आप लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ पढ़ा रखा होगा यहाँ तक कि बायोटेक्नोलॉजी भी एक इसी की ही जुड़ा हुआ शब्द है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बायोटेक वाला चैप्टर अच्छे से देख लिया होगा प्रोसेसिंग एंड इट्स अपलीकेशन वाला तो अच्छे से पढ़ा होगा उम्मीद करता हूँ दोनों ही क्वेश्चन आप लोग तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट का डी है लाइकेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इकोलॉजिकल सक्सेसन इन फैक्ट इट्स शोज द सिम्बैटिक रिलेशनशिप बिटवीन पहला क्वेश्चन एलगी बैक्टीरिया ये हो सकता है या फिर एलगी और फंगी ये हो सकता है थर्ड क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन है बैक्टीरिया फंगी एंड द लास्ट वन इज फंगी एंड बैक्टीरिया तो आप लोगों को सिंपल वे में बता देना है कि लाइकिन जो रेस्पॉसिबल होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन इन फैक्ट इट्स शोज द सिम्बैटिक रिलेशनशिप बिटवीन किससे सिम्बैटिक रिलेशनशिप रखता है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा याद कीजिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक नंबर का आप लोगों को करना होता है बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन मार्क्स ईच दिखाई दे रहा होगा आप आप लोगों को, question, right Syndrome, आप लोगों को को पहला क्वेश्चन राइट क्रोमोसोम नंबर नंबर इन इन द द क्लाइन टर्नर सिर्फ लिख देना और बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है ध्यान रखिएगा बोर्ड के जो एग्जाम पेपर होता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम होता है अपने आप से कुछ भी मत करें जो क्वेश्चन दे रहा है बस केवल वही करें पहला क्वेश्चन जो सेकंड का ए है राइट क्रोमोसोम नंबर ओनली राइट क्रोमोसोम नंबर इन द क्लाइन फिल्टर

सम से इन द पॉलिन ग्रेन मदर सेल्स कितने नंबर होते हैं पॉलिन ग्रेन मदर सेल में आप लोगों को याद होगा अगला क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ इंजाइम व्हिच ब्रेक द डीएनए इन द स्मॉल सेगमेंट कौन सा इंजाइम था याद कीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स है हो सकता है आप लोगों ने मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में काफी कुछ पढ़ रखा तो राइट द नेम ऑफ द एंजाइम व्हिच ब्रेक्स द डीएनए इन द स्मॉल सेगमेंट्स तो याद कीजिए अगला लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का ई है व्हाट आर द प्लांट्स कॉल्ड ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो व्हाट आर प्लांट्स कॉल्ड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन तो कौन कौन से बैक्टीरियज आप लोगों ने पढ़े थे सिम्बाइसिस रिलेशनशिप में काफी कुछ पढ़ा रखा होगा माइक्रोइजा काफी कुछ पढ़ा होगा थर्ड क्वेश्चन ये भी आप लोगों का एक तरह का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो टू मार्क्स ईच होता है अच्छे से देखिएगा डिफाइन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स बर्ड्स में पूछा जा रहा है किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दो चीजें पढ़ के जाइएगा बर्ड्स और ह्यूमन जोनो की तरह आ सकता है दूसरा जो थर्ड का बी क्वेश्चन है ड्रॉ विल लेबल ले 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 डायग्राम ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल प्रपोज बाय द एन एंड देखिए समझिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ड्रॉ करना है कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज बाई वॉटसन एंड क्रिक तो क्रिक का मॉडल आप लोगों को याद होगा अच्छा से सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज इम्यूनिटी इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है या इम्यूनिटी क्या होती है ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोग दे पाओगे डी है एन एन ऑर्चिड प्लांट देखिए प्लांट का नाम दे दिया गया एन ऑर्चिड प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री ठीक है ऑर्चिड प्लांट किस पर उग रहा है मैंगो ट्री पर उग रहा है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द इंट्रेक्शन बिटवीन दिस टू किस प्रकार से इन दोनों के बीच का जो इंट्रेक्शन होगा किस प्रकार से इसको आप लोगों ने नाम दिया है या आप लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ा होगा किस प्रकार के रिलेशनशिप तो इस तरह की कहलाती है जरूर लिखिए ड्रॉ क्लीन लाइनियर डायग्राम

यहाँ पर सिंपल वे में तीन डिफरेंसेस लिखने हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया में ठीक है क्वेश्चन क्लियर है सेकंड देख लेते हैं सी का फोर्थ का बी देख लेते हैं इन आर सोसाइटी अगर हमारी सोसाइटी में ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ये एनालिटिकल क्वेश्चन है एनसीईआरटी टी बेस में होगा आप लोग तो ढूंढ सकते हैं इन आर सोसाइटी वेन गर्ल्स आर बोर्न मतलब जब लड़कियाँ पैदा होती हैं ओनली वुमेन आर ब्लेम उन केवल महिलाओं को ही ब्लेम दिया जाता है डिफाइन वाइट इज इन करेक्ट है ना आपको लोग डिफाइन करना कि ऐसा क्यों गलत है महिलाओं को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना चाहिए अगर उनके घर में सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ पैदा पैदा हो रही हैं तो महिलाओं की बिल्कुल भी गलती नहीं अभी आप लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन देखा था सक्सेस डिटरमिनेशन का उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे वही आंसर यहाँ पर लिख देना सी है मेंडल्स का जो लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखिए बोर्ड ने भी इस तरह के क्वेश्चन डिफाइन किया मतलब बोर्ड भी ऐसा क्वेश्चन चाहता है कि आप लोग डिफाइन अच्छे से कर सको डिफाइन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है क्योंकि बोर्ड ने खुद ही इस तरह के मॉडल पेपर बना के अपलोड किया अपनी मेन वेबसाइट पर विथ फीचर्स ऑफ डी एन ए हेलिक्स हेल्प वॉटसन एंड क्रिक टू प्रपोज सेमी कंजर्वेटिव हाइपोथेसिस ऑफ डीएनए डी डिफाइन करिए डीएनए डिफाइन के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा उम्मीद करता हूं आप लोग डिफाइन कर सकोगे इस तरह के क्वेश्चन को भी अगला क्वेश्चन फाइव ए इसको भी देख लेते हैं ड्रा क्लीन लेबल डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया पैरासाइड देखिए ये सिंपल वे में आप लोगों को ड्रॉ करना है इसके अलावा कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं कई स्टूडेंट करते क्या है समय बर्बाद कर देते हैं बोर्ड का भी और अपना भी खुद का भी समय क्योंकि मूल्यांकन करते समय यह कहा जाता है कि अलग से अगर बच्चों ने कुछ नया कुछ किया हो तो उसको भी बिल्कुल मूल्यांकित करें अपने पास से नंबर बिल्कुल मत दे जो भी बोर्ड का पैटर्न है जो भी बोर्ड का पेपर है उसी प्रकार से नंबर आप लोगों को देने सभी टीचर्स को वहां निर्देशित किया जाता है कि किसी भी प्रकार से अपनी तरफ से नंबर बिल्कुल ऐड मत करें अगर बच्चे ने अपने मन से कुछ अलग से लिख दिया है क्वेश्चन में पूछा नहीं गया बिल्कुल भी उसके लिए एवोल्यूशन बिल्कुल नहीं है तो ध्यान से लिखिएगा ड्रॉ करना क्लीन एंड लेबल डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट सिर्फ और सिर्फ डायग्राम है अगला है हाउ बायोलॉजिकल स्टडीज़ हेल्प आज टू कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज़ किस प्रकार बायोलॉजिकल स्टडीज़ जो होती है हमारी सहायता करती है कंट्रोल करने में इन्फेक्सियस डिजीज़ को दो तरह के इन्फेक्शियस एक नॉन इन्फेक्सियस दो तरह की डिजीजे आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी अपने कोर्स में उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग सिंपल वे में समझ गए होंगे इसको

वायरसेस की बात हो रही है तो अच्छे से समझ में बेकेलो वायरसेस क्या होते हैं इसको पढ़ के जरूर जाइए नया शब्द है बोर्ड वाले ने इस तरह के क्वेश्चन भेजा है तो जरूर पढ़ लीजिएगा ठीक है बैकेलो वायरसेस आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अपने बुक में <laughs> अगर नहीं है तो अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं पूछ सकते हैं मैं बताऊँगा जरूर सिक्स का ए बिल्कुल उसी तरह से जैसे फाइव के थे उसी तरह से सिक्स का भी राइट डाउन द शॉर्ट नाउन इन द फॉलोइंग दोनों ही करने अनिवार्य सी पीसीआर क्या होता है पॉलीमर्जन चेन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा रेस्टिंगशन एंडोन्यूक्लियस इंजाइम ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मालिकुलर सीजन वगैरह पढ़े पढ़े रखे होंगे सिक्स का भी देख लेते हैं तो वाट इज़ द यूज़ ऑफ जेनेटिक इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर agriculture... Uh, में किस प्रकार से हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग सहायता से काफ़ी कुछ बना रहे हैं ये आप लोगों को पढ़ना अनिवार्य है वॉट डू यू मीन बाय वॉट डू अंडरस्टैंड बाय द ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं ये वन एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा ठीक है देखिए दो प्लस वन का मतलब मैं समझाता हैं तो कई स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्वेश्चन में टू प्लस वन क्यों लिखिया था टू प्लस टू प्लस वन क्यों लिखा गया है कारण क्या है सिंपल मैं बताता हूँ अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं कोई एग्जाम्पल नहीं पता सिर्फ ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं यह पता है तो बोर्ड वाले जब इवोल्यूशन करेंगे टीचर जब इवेल्यूएट करेगा आपकी कॉपी को तो आपको दो नंबर उसके दे देगा लेकिन अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल पता है अगर आपने एग्ज़ाम्पल लिखा है तो एक नंबर एग्जाम एग्ज़ाम्पल के वो जरूर देगा सपोज़ कीजिए आपको ट्रांसजेनिक एनिमल की डिफ़िनेशन बिल्कुल नहीं आती आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल आता है आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है सिर्फ एग्ज़ाम्पल ही लिख दिया तो ये टीचर की जिम्मेदारी होगी कि आपको एक अंक जरूर दें ठीक है आप लोग परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कोई भी आंसर अगर आपको आता है थोड़ा बहुत भी आता है तो ज़रूर लिख के आए छोड़ के बिल्कुल मत आए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं सिक्स का डी पार्ट देख लेते हैं उसमें दो डिफ्रेंशिएट पूछे गए उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दो दोनों आते होंगे हाइपरनेशनल एस्टिवेशन दोनों क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा कोल्ड ब्लेडेड एनिमल्स और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं छुप जाते हैं बाहर निकल आते हैं सोच कुछ पढ़ा रखा होगा सेकंड है एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दोनों एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होते हैं यह भी आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ गए होंगे आप लोग आखिरी जो तीन क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं सेवन एट नाइन तीनों लॉन्ग होते हैं पाँच पांच अंकों के होते हैं इसी तरह से डिफाइन किए जाते हैं कैसे करना है आप लोगों को बता देता हूँ तो पहला क्वेश्चन सेवन का ए है डिस्क्राइब ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम लेबल डायग्राम बना के आना है वेयर डू स्पम्स स्टोर इन द सिस्टम तो कहाँ पर स्पम सेल्स स्टोर होते हैं कहाँ भरे रहते हैं ये आपको बताना पड़ेगा ठीक है क्या करना देखिए टू प्लस टू प्लस वन का मतलब समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ पहला देखिए अगर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बना बनाना आता है ठीक है उसके दो नंबर है अगर समझाना आता है दो नंबर उसके हैं और कहाँ पर स्पर्न स्टोर होता है अगर ये भी पता है तो एक नंबर इसी का है इन दोनों में किसी का भी उत्तर अगर आपको आता है उसके अंक अलग अलग से निर्धारित किए गए हैं मान लीजिए ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता अथवा वाला आता है तो उसको देखते हैं डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है इन फ्लावरिंग प्लांट में विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम समझा लेंगे क्या होती है लेबल डायग्राम के दो नंबर हैं तीन नंबर लिखने के

उन्होंने डबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को क्रॉस कराते हुए कुछ लिखा था याद कीजिए और वाइट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स क्यों कहलाता है प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स का नियम ठीक है टू प्लस टू प्लस वन क्यों कहलाता है एक नंबर का है और बोर्ड बना के अगर आएंगे तो दो नंबर का है अगर मेंडल्स क्लॉक सेग्रीगेशन समझा देंगे दो नंबर उसके भी मिल जाएंगे ठीक है क्लियर हो गया अब बात करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन नाइन्थ वाले की व्हाट इज होते क्या हैं अनुकूलन से आप क्या समझते हैं व्हाट इज एडॉप एडॉप्टेशन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एग्जांपल की सहायता से इसको समझाइए अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं मल्टीपल सॉरी uh, एक ऑप्शनल में क्वेश्चन रहता है उसको भी देख लेते हैं वॉट आर द मेन रीजन ऑफ़ रेस डैमेज देखिए रेस डैमेज के जो रीजन क्या है स्पीसीज डिग्रेडेशन जिसको बोलते हैं इन एनी जियोग्राफिकल एरियाज में ठीक है क्या कारण है इसको अच्छे से स्टेम मतलब अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा फाइव मार्क्स डायरेक्टली आप लोगों को मिलने वाले हैं तो थोड़ा सा सोच के आंसर लिखिएगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा शेयर करना बिल्कुल मत भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग वॉचिंग दिस वीडियो